गाइज ये है एथर एनर्जी की एथर रिजिता जेट जो आपको फैमिली लुक में देखने को मिल जाती है। और यह है रिवर कंपनी के रिवर इंडिया इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसे मिनी एसयूवी भी कहा जाता है। गाइज इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर के रेंज में आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब देखना यह है कि इन दोनों ही स्कूटर के प्राइस में क्या डिफरेंस देखने को मिल सकता है, फीचर में क्या क्या डिफरेंस दिया गया है, मोटर कौन से इस्तेमाल किए गए हैं, प्राइस क्या देखने को मिलेगा और इन दोनों ही स्कूटर में से आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए। तो गाइज वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर से रिलेटेड हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इन दोनों की प्राइस की तो एथर रिजिता जेट जो है इसकी एक शोरूम प्राइस आपको 1,44,000 रुपये के करीब देखने को मिल जाता है। रिवर इंडी की अगर बात करें तो इसकी एक शोरूम प्राइस आपको 1,38,000 रुपये के करीब देखने को मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे इन दोनों के प्राइस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन गाइज अगर आप एथर रिजिता जेट के प्रो पैक वाला वर्जन लेते हैं तो इसके लिए आपको 15,000 से लेकर के 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अब प्रो पैक लेने के बाद इसमें आपको फीचर क्या क्या मिलेगा ये वीडियो के आगे में हम बात करेंगे। बात करें इन दोनों की बैटरी कैपेसिटी और मोटर पावर की तो एथर रिजिता जेट में आपको 3.7 किलो वाट आवर्स का बैटरी पैक देखने को मिल जाता है, जिसके मदद से ए इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 159 किलोमीटर की आईडीसी रेंज प्रोवाइड करती है। अगर एक्चुअल रेंज की बात करें तो इसमें आपको 100 से लेकर के 115 किलोमीटर का एक्चुअल रेंज देखने को मिल जाएगा। चार्जिंग टाइम की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 0 to 80% चार्ज होने में लगते हैं 4 hours 30 minutes। यहीं पे अगर बात करें रिवर इंडी की तो इसमें आपको 4 किलो वाट आवर्स का बैटरी पैक देखने को मिल जाता है, जिसके मदद से ए इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 161 किलोमीटर की आईडीसी रेंज प्रोवाइड करती है। अगर रियल वर्ल्ड रेंज की बात करें तो इसमें आपको 120 किलोमीटर तक का रियल वर्ल्ड रेंज देखने को मिल जाता है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 0 to 80% चार्ज में लगते हैं 5 hours। तो गाइज यहां पे देखा जाए तो इन दोनों में रेंज लगभग सेम ही देखने को मिल रहा है और चार्जिंग टाइम भी लगभग सेम ही देखने को मिल रहा है। मोटर की अगर बात करें तो एथर रिजिता में आपको 4.3 किलो वाट के पिक पावर वाला पीएमएस मिड ड्राइव मोटर देखने को मिल जाता है, जिसके मदद से ए इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड प्रोवाइड करती है। रिवर इंडी की बात करें तो इसमें 6.7 किलो वाट के पिक पावर वाला पीएमएस मिड ड्राइव मोटर दिया गया है, जिसके मदद से ए इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड प्रोवाइड करती है। तो गाइज यहाँ पे देखा जाए तो रिवर इंडी में जो मोटर दिया गया है उसका पिक पावर एथर के मुकाबले कहीं ज़्यादा है, जिससे आपको इसमें 90 किलोमीटर तक का टॉप स्पीड देखने को मिल रहा है। अब अगर बात करें इन दोनों की सस्पेंशन और व्हील की तो एथर रिजिता में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपी फॉक्स सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, रेयर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। टायर सेक्शन की बात करें तो फ्रंट रेयर दोनों में आपको 90x90 12 inch का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है अलॉय व्हील के साथ, और इसके फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, रेयर में ड्रम ब्रेक ही दिया गया है कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। यहीं पे अगर बात करें रिवर इंडी के तो इसके भी फ्रंट में आपको टेलीस्कोपी फॉक्स सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, रेयर में ड्यूल स्प्रिंग शॉक ऑब्जर्वर दिया गया है। टायर सेक्शन की बात करें तो इसमें आपको एथर के मुकाबले बड़ा टायर देखने को मिल जाएगा, इसमें 14 इंचेज का ट्यूबलेस टायर दिया गया है अलॉय व्हील के साथ, और दोनों ही पहियों में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, जिससे इसकी ऑन रोड ऑफ रोड दोनों में ही परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको एलईडी बल्ब सेटअप के साथ देखने को मिल जाता है। और गाइस जैसा कि आप लोगों को वीडियो के शुरू में ही बताया था कि रिवर इंडी को मिनी एसयूवी भी कहा जाता है, क्योंकि गाइस इसमें आपको अंडर द सीट 43 लीटर का बूटी स्पेस देखने को मिलता है, फ्रंट में भी आपको 12 लीटर का बूटी स्पेस देखने को मिल जाएगा, और इसके साइड के पैनल में आप ग्लव बॉक्स भी लगवा सकते हैं, जिसे एक साथ आप काफ़ी सारे सामान को कैरी कर सकते हैं। जबकि एथर रिजिता जेट में आपको अंडर द सीट सिर्फ और सिर्फ 34 लीटर का ही बूटी स्पेस देखने को मिलता है। तो गाइज अगर आप जर्नी के वक्त ज़्यादा सामान कैरी करते हैं तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है रिवर इंडी। यहीं पे अगर बात करें इन दोनों के मीटर कंसोल की तो रिवर इंडी में आपको नॉर्मल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जिसमें कुछ बेसिक सा ही फीचर दिया गया है, लेकिन गाइज एथर रिजिता जेट में आपको 7 inch का TFT टच डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको विदाउट प्रो पैक भी काफ़ी सारे फीचर देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइज अगर आप इसका प्रो पैक वाला वर्जन लेते हैं तो इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी, कॉल एंड मैसेज अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल,
कंट्रोलर, हील्ड होल्ड असिस्ट, नेविगेशन, चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो गाइज एथर रिजिटा जेट जो है फीचर के मामले में रिवर इंडी से बहुत आगे है, लेकिन गाइज ओवरऑल देखा जाए तो फीचर के अलावा रिवर इंडी में आपको सब कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसमें आपको रेंज भी थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसके अलावा इसमें बड़े बड़े टायर्स भी दिए गए हैं और इसमें आपको बूट स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो अगर बात करें कि इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में से आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए, तो गाइज अगर आप फैमिली के लिए परचेज कर रहे हैं तो आपको एथर रिजिटा जेट को परचेज करनी चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि विदाउट प्रो पैक वाला परचेज करें या फिर प्रो पैक वाला परचेज करें, तो गाइज मेरे ख्याल से आपको विदाउट प्रो पैक वाला ही परचेज करनी चाहिए, क्योंकि आप कुछ समय बाद ऐसे भी आप फीचर को इस्तेमाल करना नहीं चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको विदाउट प्रो पैक वाला ही परचेज करनी चाहिए। रिवर इंडी की अगर बात करें तो गाइज अगर आप ऑफ रोडिंग ज़्यादा करते हैं या फिर अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा सामान को कैरी करते हैं तो आपको रिवर इंडी को परचेज करनी चाहिए। तो गाइज इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में से आप किसे परचेज करने की प्लान बना रहे हैं कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।